मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में ओमिक्रॉन के बड़े मामले, कल राज्य में कोरोना के 34,000 मामले दर्ज होते ही इसी के साथ ओमिक्रॉन के मामले भी राज्य में 766, सबसे ज्यादा राज्य की राजधानी बेंगलुरु में 287 ओमिक्रॉन के मामले दर्ज हुए हैं। इसी की जानकारी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करके राज्य की जनता को इसकी जानकारी दी। लॉकडाउन करना सरकार का कोई इरादा नहीं है, मंत्री आर अशोक का बयान। बेंगलुरु के विधान सौधा में रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक ने जानकारी दी है कि सीएम की अध्यक्षता में अहम सभा के बाद राज्य में और कड़े नियम लागू करना है या नहीं, इस पर एक्सपर्ट की राय लेकर फैसला लिया जाएगा। राज्य के 6,50,00,000 जनता को मुसीबत में डालना सरकार का कोई इरादा नहीं है, लॉकडाउन करने का प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है, कहा मंत्री आर अशोक ने। दूसरे राज्यों से स्टूडेंट्स का आगमन, राज्य में बड़ा फिर से कोरोना का खतरा। हरियाणा से राज्य के बल्लारी को कई स्टूडेंट्स रेल के जरिए जिले में प्रवेश कर चुके हैं, जिनमें मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल के एग्जाम्स के लिए यहां आने की बात पता चली है। सिर्फ 20 स्टूडेंट्स के पास ही RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट है, बाकी लोग खाली हाथ ही राज्य को पहुँचे हैं, जिससे राज्य और जिले पर और ज़्यादा कोरोना खतरा मंडराता नजर आ रहा है। आज से जिले में पहली से नवीं कक्षा के स्कूल शुरू। बेलगाम जिले में स्कूल और कॉलेजेस के 350 स्टूडेंट्स में कोरोना की पुष्टि होने पर जिला अधिकारी ने 11 जनवरी से 17 जनवरी तक एक हफ्ते की छुट्टी दे दी थी, लेकिन आज एक हफ्ता पूरा होते ही सभी स्कूल्स और कॉलेजेस को दोबारा खोला गया है। जिले में जहां पर फिर से स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल्स कॉलेजेस आ रहे हैं, लेकिन अब तक जिले में कोरोना का आंकड़ा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मुर्गा लड़ाने वाले खेल पर पुलिस की रेड। रायचूर जिला सिरवार में त्यौहार के चलते गांव में मुर्गा लड़ाने की प्रतियोगिता की जाती है, बिना अनुमति के लोग जमा होते देखकर सिरवार पुलिस ने छापामारी करके 10 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी, 4 मुर्गे और 10 बाइक को जब्त किया है पुलिस ने। कोरोना इस बार ज़्यादा ताकतवर नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर। बेंगलुरु में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि राज्य में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों के बीच जनता के लिए राहत की बात पता चली है। राज्य में ज़्यादा प्रमाण में वैक्सीनेशन होने से इस बार मामले बढ़ने पर भी हॉस्पिटल में लोग दाखिल नहीं हुए और ये बीमारी फरवरी तक कम होने की सूचना जानकारों ने सरकार को दी है। जल्द फैलने के साथ जल्द ही इसकी ताकत भी कम होने की पुष्टि साइंसदानों द्वारा की गई है। जनता को डरने की नहीं, सावधान होने की जरूरत है, कहा हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने। शायद मंत्री जी भूल गए हैं कि कई लोग वैक्सीनेशन के दोनों डोज लेने के बावजूद भी कोरोना और ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं। शायद इस बात को बताने में मंत्री जी को शर्म आ रही है कि कहीं जनता इन्हें ठुकरा ना दे। वीकेंड कर्फ्यू से जनता को बड़ी परेशानी हो रही है, यूटी कादर। मंगलुरु में पूर्व मंत्री यूटी कादर ने कहा कि सरकार ने कई हथकंडे अपनाकर हमारी कावेरी पद यात्रा रोकने की कोशिश की, लेकिन हमारी पैदल यात्रा कामयाब रही। हमने सरकार से डर के नहीं बल्कि जनता के हित के लिए पदयात्रा को रोका है। वीकेंड कर्फ्यू से आम जनता की जिंदगी पर बड़ा नुकसान हो रहा है, तुरंत इस फैसले को वापस लेने की सरकार से बात कही यूटी कादर ने। बाइक स्टंट के साथ हथियार दिखाकर फोटो शूट। बेंगलुरु शहर के गवीपुरम के युवक अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाइक स्टंट करते हुए हथियार दिखाकर वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिस पर पुलिस ने मामले को दर्ज करके वीडियो के आधार पर युवकों को पकड़ने में जुटी है।
कोरोना की धज्जियां उड़ाकर मंदिर को पहुंचे भक्त आज पूर्णिमा के चलते मैसूर नंजनगुड़ू में रहे नंजुंडेश्वर मंदिर में आज भक्त हजारों की संख्या में पहुंचकर जहां खुलेआम कोरोना नियम उल्लंघन होते नजर आए, जिस पर कई सवाल उठे हैं। आस्था में डूबे भक्त कोरोना को क्या भूल गए हैं? क्योंकि बात आस्था और श्रद्धा से जो जुड़ी है, सरकार के लिए भी ये बड़ा सवाल बन चुका है कि कोरोना को रोके या भक्तों को भक्ति से। लॉकडाउन करके जनता को परेशान ना करे सरकार, सांसद प्रताप सिम्हा। मैसूर के बीजेपी सांसद जो हमेशा अपनी पार्टी और सरकार के समर्थन में खड़े होते थे, न जाने आज इन्हें क्या हो गया है कि अपनी ही बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए कह रहे हैं कि बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार लॉकडाउन और वीकेंड कर्फ्यू जैसे कड़े नियम लागू करने की तैयारी में है। लेकिन पिछले दो कोरोना की लहरों में आम जनता के जीवन में परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था। सरकार को जनता के सेहत की जितनी चिंता है, उतना ही जरूरी जनता को अपनी जिंदगी चलाना भी है। सरकार हॉस्पिटल में बेड की संख्या और कई तरीके से कोरोना को रोक सकती है। इस बार ज्यादा लोग संक्रमित होकर भी हॉस्पिटलों में दाखिल नहीं हुए हैं, इसलिए सरकार इस बार लॉकडाउन ना करें, इस तरह से अपनी ही सरकार से अपील की है बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।